हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो कल शाम के टाइम हम और सलमान भाई और पीछे सुफियान भाई गए थे बारात, और बारात से लौटने के बाद हम आ गए थे भाई सुफियान के घर पे सोने के लिए। और सोने के बाद अभी सुबह 7 बज रहा है, तो हम लोग अभी सुबह सुबह जा रहे हैं खेत में घूमने के लिए सुफियान भाई के। तो हम लोग पहुँच चुके हैं सुफियान भाई के तालाब के पास, और अभी आपको दिखाते हैं मछली है नहीं भाई प्रेजेंट टाइम में। मछली है भाई तालाब में, अगर हो सकता है। कितनी कितनी बड़ी है? कितनी बड़ी आपकी? इतनी बड़ी है? अरे यार, हमारी इतनी कहाँ मछली होंगी। अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि सुफियान भाई के तालाब में कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। फाइनली पहुँच चुके हैं तालाब के पास। ये देखो गाइस, ये है तालाब। एक ये वाला है और एक वो वाला है। कुछ मछलियाँ ऐसी होती है कि स्टार्टिंग टाइम में इसमें रहता ना भाई, हाँ, और जब बड़ी हो जाती है थोड़ा बहुत तो उसमें डाल लेते हैं निकल करके। ये मछली क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है? हाँ, मछली क्यों नहीं दिखाई पड़ रही यार? अरे ऐसे दिखाएंगे भला भला, अगर साहब आए तो उनके लिए निकल जाए क्या? लाओ कुछ नहीं लाओ, लाओ कुछ डल भी आएंगे साइड में यार। नहीं दिखाई पड़ रही है गाइज, ये देख सकते हैं, ये सेकंड वाला तालाब है। तो इसमें से कुछ मछलियाँ जब बड़ी हो जाती हैं तो उसको निकाल करके इसमें डाला जाता है, है ना सुफियान भाई? कि गलत है? सही है। हाँ नहीं, पता लगे कि हम गलत बोल रहे हैं और सब लोग मछली पालन करना चाहें तो उल्टा सीधा कर लें सब लोग। चलो आप कहाँ चलेंगे? आओ सलमान भाई, चल भाई चल। सलमान ते आगे चल। हाँ हम आगे दादा, आगे चल यार, हम आगे पहुँची पर मार। कहाँ पे दिखाओ? ये देखो गाइस, सांप का अंडा है। लग तो रहा है। हाँ यार, ये सारे कौवे फोड़ दिए हैं। मतलब सारे कौवे, मतलब भाई टोटल कौवे, मतलब गाली नहीं देने कौवे को। और ये कौवे आकर देखो इस अंडे को यार हल्का सा टच कर दिए हैं, हल्का सा ऊपर वाला पार्ट फूट गया यार ना, ये यहाँ पे। तो गए स्थान ली, पूरा तालाब वालाब घूम चुके हैं और मछली नहीं थी उस तालाब के अंदर। मछली थी ना भाई? थी, लेकिन दिखाई नहीं दे रही थी इसलिए आपको नहीं दिखा पाए। और फाइनली हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ। तो ये भाई देख सकते हैं कि तालाब काफ़ी दूर नहीं है सुफियान भाई के घर पे, और देख सकते हैं सामने सुफियान का घर है और उनका छोटा भाई टमाटर खड़ा हुआ है। तो हम लोग चलते हैं, ये सुफियान के गाँव के बच्चे हैं। मजा करो, हम लोग जा रहे हैं, ठीक है? आप लोग मजा करो, चलो भाई। सुबह सानली पहुंच चुके हैं घर पर, और चल रहे हैं भाई ब्रश व्रश करते हैं, उसके बाद नाश्ता वास्ता करते हैं और फिर निकलते हैं घर के लिए। हाँ भाई यार, सलमान हम ब्रश निकल नहीं आए मंजिल करने जा रहे यार। हाँ क्या भाई, ये सुफियान भाई के भाई पढ़ रहे हैं भाई, यार क्या बात है यार। हम लोग तो सुबह तालाब से घूम के आ रहे हैं। सुखाए साले मेरे लिए भाई तो भेली और चना है, और बाकी चाय और खारी सलमान भाई के लिए। सुखाए साले सलमान भाई चाय पी चुके हैं और चना भी खा चुके हैं थोड़ा सा, और रोटी और सब्जी खा लेते हैं। तो चलते भाई हम लोग थोड़ा नाश्ता करते हैं और उसके बाद चलते हैं घर के लिए। क्यों सलमान भाई? क्योंकि काफ़ी समय हो गया सुफियान भाई बहुत, और क्योंकि भी आज भी बारात जाना है और कल भी बारात जाना है। आज जाना है वहाँ नेपाल की साइड में। आज मैं नहीं जा रहा भाई, हम अब ड्यूटी पे जाएंगे, अपना काम करेंगे इटवा में। टमाटर तुम कहाँ जाओगे? तो गाइस चलते हैं हम लोग वही नाश्ता करते हैं, उसके बाद निकलते हैं घर के लिए। फाइनल नाश्ता कर चुके हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं घर के लिए। तो सलमान भाई हमको कहाँ छोड़ेंगे? करहिया, उसके बाद आप ऑटो से चले जाइएगा। तो सलमान मुझे छोड़ेंगे करहिया, फिर वहाँ से चले जाएंगे ऑटो पकड़ करके डुमरियागंज के लिए, क्योंकि मेरी बाइक डुमरियागंज में खड़ी है। तो सुफियान भाई चलते हैं, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।